Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पंजाबी मूवी सिंघम के बारे में। सिंघम अगर आपको नहीं पता तो ये एक बॉलीवुड मूवी थी और अब इसका रीमेक बनने जा रहा है पंजाब में, यानी पंजाबी लैंग्वेज में। तो इस मूवी के बारे में आज मैं आपको एडवांस बुकिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि कल मूवी रिलीज़ होने वाली है। तो आज एडवांस बुकिंग कितनी है, कहाँ कहाँ इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, कितने मूवी को शोज़ मिले हैं, स्क्रीन्स मिली हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ साथ मूवी का बजट, स्क्रीन काउंट। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ आप उसे पूरा जान सके। सिंघम मूवी जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है बॉलीवुड मूवी की, जिसमें अजय देवगन थे। मूवी को 9 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा। मूवी का अगर रन टाइम देखें तो 2 आवर्स 27 मिनट की ये मूवी है। 2D में इसे रिलीज़ किया जाना है। अब आप देख सकते हैं कि 4030 लोग इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, 4030 लोग इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिसेंटली पंजाबी मूवीज रिलीज़ हुई है उनमें से कोई भी मूवी ऐसी नहीं थी जो कि 4000 तक पहुंची हो, लोग जिसके लिए इंटरेस्टेड हो बुक माई शो में। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसे 4000 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं मूवी देखने के लिए। अभी कल तक आते आते ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। तो इसमें परमीश वर्मा है जो कि सिंघम बने हैं, सोनम बाजवा है, करतार चिम्मा है जिनकी रिसेंटली मूवी अभी रिलीज़ हुई थी सिकंदर 2, वो भी अभी बॉक्स ऑफिस में रन कर रही है, हरदीप गिल है और अनीता देवगन है, और आपको दिखाई देंगे सरदार सोही। अगर अनीता देवगन की बात की जाए तो ये आपको शड़ा मूवी में भी दिखाई दी थी, और सरदार सोही है, रुपिंदर रूपी है, प्रकाश, आपको ये सारे स्टारकास्ट जो है मूवी में दिखाई देंगे। बात की जाए मूवी के डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, तो मूवी के डायरेक्टर है नवनीत सिंह, प्रोड्यूसर है अजय देवगन और कुमार मंगत, अभिषेक और भूषण कुमार। जहाँ दोस्तों इस मूवी के साथ भूषण कुमार जुड़े हैं, तो इस मूवी को जो है काफ़ी बड़े ग्रैंड वे में रिलीज़ किया जाएगा। ज़्यादा थिएटर्स और शोज इस मूवी को मिलने वाले हैं, इतना श्योर है, क्योंकि भूषण कुमार इस मूवी के साथ जुड़े हैं। मैंने जब आपको पहले बताई थी, वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भूषण कुमार अगर मूवी के साथ जुड़े हैं तो मूवी को जो है स्क्रीन्स अच्छी खासी मिलने वाली है। तो अब चलते हैं, ये तो जितने भी थिएटर्स हैं इस मूवी के लिए ये दिल्ली के हैं, और आप देख सकते हैं जितने सारे थिएटर, सारे के सारे थिएटर इसको दिल्ली में मिले हैं। तो कोई भी आपको नहीं लगता कि रिसेंटली कोई ऐसी मूवी रिलीज़ हुई हो जिसे इतने सारे थिएटर्स मिले हो दिल्ली में, और ये मूवी दिल्ली में जो है ग्रैंड वे में रिलीज़ की जा रही है। बात की जाए अगर मूवी के एडवांस बुकिंग की, तो चेक कर लेते हैं थिएटर्स में कि कोई किसी ने अभी बुक टिकट बुक करनी स्टार्ट की है या नहीं। तो आप देख सकते हैं लोगों ने टिकट बुक करनी स्टार्ट कर दी है, जैसा आप देख रहे होंगे 10% के आसपास ये थिएटर फुल है। 2-3 थिएटर्स में शोज और चेक कर लेते हैं कि किस कौन कितने परसेंट तक की अभी तक जो है बुकिंग चल रही है। इसमें सिर्फ अभी तक एक टिकट बुक हुई है। थोड़ा और डाउन चलते हैं, कार्निवाल में चेक कर लेते हैं कार्निवाल में किस तरह से बुकिंग है। कार्निवाल में काफ़ी सीट्स जो हैं वो बुक हो चुकी है। अब चलते हैं अमृतसर की तरफ। अमृतसर के थिएटर्स दिखाने से पहले मैं आपको चंडीगढ़ के थिएटर्स दिखा दूं। तो ये आपको जितने भी ये थिएटर्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे थिएटर्स चंडीगढ़ के हैं। चंडीगढ़ में अभी तक मूवी को जो है एक आप कह सकते हैं डिसेंट शोज़ मिले हैं, डिसेंट थिएटर मिले हैं। कल का दिन है, अभी और इंक्रीज़ होने वाले हैं थिएटर्स। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में एडवांस बुकिंग मूवी की स्टार्ट हो चुकी है, सीट्स भी बुक होनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा डाउन चलते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा थिएटर है, भी किसी ने बुक नहीं करवाई है टिकट। थोड़ा और डाउन चलते हैं, राजेशन सिनेमा। तो अभी तक जितनी भी एडवांस बुकिंग चंडीगढ़ में चल रही है वो डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। कुछ लोगों ने टिकट बुक करवा दी है, कुछ ने अभी बुक करवानी है। अब थोड़ा अमृतसर की तरफ चलते हैं। तो अब जो आपको शोज दिखाई दे रहे हैं वो चंडीगढ़ के हैं अभी तक, इसको सॉरी अमृतसर के हैं। तो अभी तक अमृतसर में इस मूवी को 3 थिएटर्स मिले हैं। पहले थिएटर में जो शोज़ हैं वो 5 शोज़ हैं, दूसरे थिएटर में धमाकेदार शोज़ इस मूवी को मिले हैं, 10 के आसपास शोज़ मिले हैं दूसरे थिएटर में, और तीसरे थिएटर में मूवी को
वही 9 से 10 शोज़ मिले हैं। तो इस मूवी को बहुत ग्रैंड वे में रिलीज़ किया जा रहा है, काफ़ी शोज़ मूवी को मिले हैं, काफ़ी थिएटर्स मूवी को मिले हैं, और मूवी के जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो भी धमाकेदार होने वाला है। तो फर्स्ट डे का कलेक्शन की वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा जरूर, वैसे मैंने एक वीडियो बना दी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। अमृतसर में इस मूवी की एडवांस बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, बाकी शहरों से अच्छी एडवांस बुकिंग मूवी की अमृतसर में देख सकते हैं। थोड़ा और डाउन चलते हैं, आईनॉक्स में देख लेते हैं आईनॉक्स में किस तरह से मूवी की एडवांस बुकिंग चल रही है। आईनॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो अच्छी खासी है, अराउंड 15 से 20% ये थिएटर फुल है। थोड़ा और डाउन चलते हैं, 9 AM का शो देखते हैं, मॉर्निंग का शो, तो मीडियम साइज थिएटर है, देख सकते हैं सीट्स में बुक होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको बता दिया दिल्ली का, चंडीगढ़ का, अमृतसर का, अब चलते हैं मूवी के जलंधर की तरफ। बात की जाए जलंधर की तो आप देख रहे होंगे ये जलंधर के शोज हैं, जितने भी 4 थिएटर्स को जलंधर में मिले हैं। फर्स्ट थिएटर में मूवी के जो शोज़ हैं वो आप देख सकते हैं 2, 2, 4 8 से 10 शोज इसको फर्स्ट थिएटर में मिले हैं, सेकंड थिएटर में भी इसको 8 से 10 शोज़ मिले हैं, थर्ड थिएटर में भी इसको अराउंड 7 के आसपास शोज़ मिले हैं, और लास्ट के थिएटर में इस मूवी को अराउंड 6 के आसपास शोज़ मिले हैं। तो जलंधर में मुझे ज़्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी इस मूवी की लग रही है कि जलंधर में ये मूवी धमाकेदार ऑक्यूपेंसी के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवी की बुकिंग, टिकट बुक होनी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा और डाउन चलेंगे PVR में, चेक करते हैं कि PVR मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी है। तो PVR में भी अगर आप देखेंगे तो एडवांस बुकिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, बुक टिकट बुक होने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा और डाउन चलेंगे PVR MBD जलंधर, तो अगर इसमें हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है, 2 रोज फुल हो चुकी है। तो थोड़ा और डाउन चलेंगे, लास्ट थिएटर है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि मूवी की एडवांस बुकिंग जो है कितनी चल रही है जलंधर में। तो देख सकते हैं आप ये शो हाउसफुल होने वाला है, लगभग आप कह सकते हैं कि 100% थिएटर हो जाएगा या आज शाम तक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस मूवी के लिए। अब 215 का शो देख लेते हैं इसमें कितनी एडवांस बुकिंग है मूवी की, और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी मूवी जो है लगभग हाउसफुल होने वाली है आने वाले 3 से 4 घंटे में। ये पूरा थिएटर जो है फुल पैक होने वाला है फर्स्ट डे के लिए, और ये काफ़ी अच्छी बात है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी लगभग आप कह सकते हैं कि 80% जो है थिएटर फुल है। तो ये मैंने आपको बताई सिंघम मूवी की एडवांस बुकिंग दिल्ली में, जलंधर में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में। तो सबसे अच्छी एडवांस बुकिंग है जलंधर में, उसके बाद है अमृतसर में, उसके बाद आप कह सकते हैं चंडीगढ़ में, और सबसे लास्ट में आता है दिल्ली। तो आपको क्या कहना है सिंघम के बारे में इसकी एडवांस बुकिंग। अब बात करें कलेक्शन की, तो मूवी मुझे लगता है अभी तक की एडवांस बुकिंग को देखते हुए कि फर्स्ट डे में इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन करेगी। हाँ दोस्तों, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन मूवी करेगी। इससे पहले जो मूवी थी चल मेरा भूत, उसने 80 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया था इंडिया में, और अगर बात की जाए सिकंदर 2 मूवी की तो उसने अराउंड 58 लाख का नेट कलेक्शन किया था इंडियन बॉक्स ऑफिस में। तो मुझे लगता है जो सिंघम मूवी है उसको थिएटर भी ज़्यादा मिले हैं, ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी चल रही है, तो मूवी अराउंड 1 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर सकती है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।